हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और पिछली वीडियो में हमने कमरेला कुर्ती की टॉप पार्ट की सिलाई करी थी, तो इस वीडियो में हम इसके घेरे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे और फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा घेरे में थोड़ा कपड़ा नीचे की और कपड़ा कम पड़ रहा था, उसको हमने कट कर दिया है और फिर उसको हमने ऑल पिन से हमने सेट कर दिया है इस तरीके से। और फिर ये घेरा हमारा बिल्कुल गोलाई में आ चुका है। दोनों पार्ट में हमने ऑल पिन से इस तरीके से घेरे को सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये हमने ऑल पिन से पूरा घेरे को सेट किया है, फिर सिलाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं नीचे से वीडियो में, ये हमने ऑल पिन से एक्स्ट्रा जो हमें कपड़ा जोड़ना था घेरे के साइड नीचे की तरफ, वो हमने ऑल पिन से सेट कर दिया है। और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। और अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ ऑल पिन हमने लगाया है वहाँ वहाँ हम सिलाई कर देंगे और ऑल पिन को हम निकाल देंगे ताकि हमारी सुई टूटे ना और सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों पार्ट की हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे जैसा वीडियो में दिख रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपने अम्ब्रेला कुर्ती की टॉप पार्ट का की सिलाई का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस कुर्ती का अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से इस कुर्ती की कटिंग हुई है और टॉप पार्ट की सिलाई हुई है। तो अब ये हमारा जो भी है नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट हमें घेरे में जोड़ना था वो उसकी सिलाई हो चुकी है। और अब हम आगे पीछे के दोनों कपड़ों को उल्टा रख के, कुर्ती को उल्टा रख के अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और कमर हमारी 36 है, तो उसका 2 पार्ट लेंगे तो 18 इंच आएगा। और इस तरीके से हम चेस्ट हमारी 38 है तो उसका हम 2 पार्ट लेंगे तो 19 इंच आएगा। और इस तरीके से हम निशान लगा के फिटिंग की सिलाई कर देंगे। जैसे हमने पहले की कुर्तियों में किया है फिटिंग की सिलाई लगाई है, उसी तरीके से हमें फिटिंग की सिलाई करने निशान लगाना है। और अब हमने जहाँ जहाँ फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ वहाँ हम सिलाई कर देंगे। और नीचे से आपको जितना चौड़ा घेरा चाहिए उतना चौड़ा आप ले सकते हैं, उतनी मार्जिन पे आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको कम घेरा चाहिए तो थोड़ी चौड़ी पे सिलाई लगाएं, और अगर आपको ज़्यादा घेरा चाहिए तो थोड़े कम पे सिलाई लगाएं। और इस तरीके से आप फिटिंग की सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई कर देंगे। और अब ये हमारी फिटिंग भी हो चुकी है अम्ब्रेला कुर्ती की, और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है फिटिंग करने के बाद। और अब हम नीचे से जो हमारा घेरा है उसको हम नीचे से मोड़ के सिलाई कर देंगे। एक या 1.5 या 2 इंच की मोड़ के हम इस तरीके से नीचे से सिलाई कर देंगे। जैसा वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। और ये अब हमारी नीचे से भी मुड़ गया है और अब हमारी कुर्ती तैयार है। हमने गले में भी तुरपाई कर दी है और प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और नीचे से भी हमने सिलाई कर दी है और प्रेस कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। आप चाहें तो नीचे से तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन से आप नीचे मोड़ के सिलाई भी कर सकते हैं जैसे वीडियो में दिखा था।
और इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी है। और पहनने पे ये कुर्ती बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, बहुत ही सुंदर दिखेगी। और पहनने पर ये कुर्ती इस तरीके से दिखाई दी है, आप वीडियो में देख सकते हैं इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। साइड से भी आप देख सकते हैं और गले की तरफ भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फिटिंग आई है इस कुर्ती की, और पीछे से भी, और घेरा भी कितना अच्छा आया है इस कुर्ती का। तो आप इसे किसी पार्टी में, फंक्शन में और कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ भी पहन सकते हैं और घर में भी पहन सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।